हमारे लाडले नेता, भारत के प्रधानमंत्री, आप सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति, कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय बी मुरलीधरन जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, और दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है, और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई, और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर वन है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 trillion की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 billion की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट, उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं।